दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आज की सबसे बड़ी खबर में। जी हां दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। बलिया मर्डर, हत्या का आरोपी बीजेपी कार्यकर्ता अभी भी फरार, सीएम ने दो अधिकारी को किया सस्पेंड। पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास है बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करती हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया के रेवाती थाना के दुर्जनपुर में खुली पंचायत में एक अधेड़ की हत्या की जाने के मामले में अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहा है। पुलिस नाम जद 8 आरोपियों में से एक अब तक एक को गिरफ्तार किया गया है। वाराणसी रेंज के एडीजी ब्रज भूषण ने शुक्रवार को बताया कि मामले में एक आरोपी देवेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया गया। वो धीरेन्द्र प्रताप सिंह का भाई है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। DIG आजमगढ़ और कमिश्नर आजमगढ़ बलिया में कैप कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुरुवार की दोपहर कोठे की दुकान के आवंट के दौरान अधेड़ की हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह बलिया से बीजेपी विधायक सुरेन सिंह का खास करीबी है। घटना के नाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाके के SDM और CO को निबंधन करने के आदेश दिए। साथ ही मौके पर मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को निबंधन करने को कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बलिया के दुर्जनपुर में सरकारी कोटे की दुकानों के आवंट की कार्यवाही चल रही थी। एक चश्मींद के मुताबिक इलाके के SDM की देख रेख में यह काम हो रहा था, तभी आवंट के दावेदार दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों में गाली गलौज मारपीट ईंट पत्थर चलने लगी। इसी बीच एक पक्ष की तरफ से गोलियां चलने लगी थी। जी हाँ दोस्तों, यह जानकर कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास से बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं।